डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेज़ी बोलने की काबिलियत कैसे लाएं और इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। आज जो कि इंग्लिश को कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो अगर आप कैरियर में आप आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो कि कॉरपोरेट्स की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि वो समय की मांग है, इम्प्रूव तो करना ही होगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा, अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ टिप्स दूंगा कि किस प्रकार से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और भी मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो जैसे इसमें दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट कि अंग्रेजी गाने सुने रोज़ाना इंग्लिश भाषा को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सुधारना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि आप हिंदी गानों को कम सुने। आपको अगर गाने सुनने का शौक़ है तो कोशिश करें कि इंग्लिश सॉन्ग्स ही सुने। हो सकता है स्टार्टिंग में समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको वो समझ में आने लगेंगे। रोज़ाना इंग्लिश के नए शब्द का अभ्यास करें, हमेशा इंग्लिश में बोलने या फिर सोचने की कोशिश करें। हम इंडियंस की जो एक आदत होती है, हैबिट, कि हम पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, तो वो हैबिट सबसे बड़ी बाधा है इंग्लिश सीखने में। अगर हम इंग्लिश में ही सोचने लगें तो फिर इंग्लिश बोलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरा, इंग्लिश बोलने के वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। अगर मूवीज़ देखने का शौक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ ही देखें, वही प्रेफर करें। इसके अलावा आप टॉक शोज़ आते हैं टीवी पर, वो देख सकते हैं, वो इंग्लिश में होने चाहिए टॉक शोज़। तो टॉक शोज़ के जो उनकी कन्वर्सेशन चलता है उसको आप ध्यान से सुने। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। जो भी समझ में नहीं आ रहा है वर्ड, उसको नोट करें और डिक्शनरी में उसको देखें। आजकल तो मोबाइल आपके हाथ में होता है, गूगल में तुरंत ही उसको आप मीनिंग देख सकते हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कैरियर। अच्छी अंग्रेजी आना कैरियर के लिए क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा है और अधिकांश ऑफिसेज में, अधिकांश देशों में और पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। क्योंकि पहली चीज़ तो है कि अगर आप नौकरी करते हैं या नौकरी करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। आपको इंग्लिश आती है तो कंप्यूटर चलाने में आसानी होगी। अब अगर कंपनीज़ में जो मेल्स वगैरह भेजे जाते हैं, कम्युनिकेशन होता है, वो सारा कुछ इंग्लिश में होता है। इंग्लिश आती है तो आपको आसानी होगी। दूसरी चीज़ है कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको एक टीम होती है, टीम के साथ काम करना है मिलके, तो कैसे आप काम करेंगे? आजकल तो ऑनलाइन का सारा ज़माना है, तो जूम कॉल होते हैं, गूगल मीट होता है, इस पर मीटिंग्स चलती हैं। तो अगर इंग्लिश नहीं आती है तो वहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि सामने वाले क्लाइंट को अगर उसकी कोई और भाषा वो जानता है, आप हिंदी में तो नहीं, आप अगर हिंदी जानते हैं और हिंदी में बोलना चाह रहे हैं लेकिन सामने वाले को हिंदी नहीं आती, तो जो दूसरी इम्पोर्टेंट भाषा होती है इंग्लिश, इंग्लिश अधिकांश में सभी को आती है। तो आपको अगर इंग्लिश आती है तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो अगर कैरियर में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोले? तो पहली चीज़ है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको अपने अंदर से झिझक को दूर हटाना पड़ेगा। लोग क्या है, घर में भी अगर वो इंग्लिश सुधारना चाहें तो आपस में फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर बात कर सकते हैं इंग्लिश में स्टार्टिंग के तौर पर, और उसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए।
तो हेजिटेशन को पहले आप दूर भगाएं, तब आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप इंग्लिश अपनी सुधार पाएँ इनकी मदद से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फेसबुक सभी लोग चलाते हैं, फेसबुक में आप ग्रुप सर्च करें जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश पर काम करते हों, इंग्लिश स्पोकन पर बेस्ड हों जो ग्रुप्स, उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें तो आपको आसानी होगी। उनके साथ कन्वर्सेशन आप करेंगे, बातचीत होगी, संवाद होगा, तो आप इंग्लिश को सुधारने में आपको मदद मिल सकती है। फिर ट्विटर है, आप ट्विटर अकाउंट बनाएं अपना, ट्विटर में आप ट्वीट्स कर सकते हैं छोटे छोटे। आपको आइडिया लगेगा कि इंग्लिश में छोटे छोटे ट्वीट्स कैसे बना सकते हैं, और उसमें एक लिमिट होती है 140 वर्ड्स की, तो आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो छोटे से प्रसाइज ट्वीट्स आप बना सकते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल सुधरेगी, आप दूसरों के ट्वीट्स देखकर आप सीख सकते हैं। तो ट्विटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसके अलावा स्नैपचैट्स है, यहाँ पर आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग को सुधार सकते हैं। और जो यूट्यूब का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिल सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस मिल सकती हैं, और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप सुन सकते हैं वहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के, तो इसके थ्रू भी आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं। फेसबुक पर आप खुद के ग्रुप्स बना सकते हैं, आपने ग्रुप बनाया इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश पर, और उसमें आप जो भी आप स्प्रेड करें और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, और फिर आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है। बेसिक चीज़ है कन्वर्सेशन, आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, टाइपिंग करें, लिखें मैसेज, तो काफ़ी कुछ आपका काम बन सकता है। अब मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं फ्रेंड्स जब एक कॉलेज में पढ़ा करता था तो मेरे एक प्रोफेसर थे, ही वाज नेटिव ऑफ रशिया, वो एक विदेशी प्रोफेसर थे, तो उनको सभी एनसाइक्लोपीडिया कहा करते थे, उनको हर चीज़ की नॉलेज थी ज़बरदस्त। और आपको ताज्जुब होगा कि रशियन थे तो इंग्लिश तो जानते ही थे, वो हिंदी के भी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने मुझे एक बार कहा था, इंग्लिश सीखने का एक टिप दिया था, और वो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि आप हिंदी आपकी मदर टंग है, मातृभाषा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक खाली पेज लें, पेन लें, उस पर हिंदी के शब्द लिखना शुरू करें अभी बैठकर, तो आप कितने वर्ड्स लिख सकते हैं? तो मैंने कोशिश की, मैं 100 वर्ड्स लिख पाया, फिर मैंने और कोशिश की तो 50 वर्ड्स और लिख दिए, 150 वर्ड्स हो गए, 200 वर्ड्स कर लिए जैसे तैसे, और 300 वर्ड्स के बाद तो मेरी कलम चलना बंद हो गई, मुझे कोई भी वर्ड याद नहीं आ रहा था उस हिंदी लैंग्वेज का जो कि मेरी मातृभाषा थी। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आप हिंदी की आपकी मातृभाषा है और फिर भी आप 300 के वर्ड्स आप लिख पाए एक बार में, तो इंग्लिश सीखने का यहीं से एक रास्ता निकलता है। आप अपनी एक हैबिट बना लें कि रोज़ डिक्शनरी में से एक इंग्लिश का वर्ड पूरी तरह समझेंगे, उसे तैयार करेंगे। तो डेली अगर कोई भी व्यक्ति एक इंग्लिश का वर्ड तैयार करता है तो उसके साल भर में कितने वर्ड्स हो सकते हैं? 365 वर्ड्स वो एक साल में तैयार कर सकता है। जब मैं 300 वर्ड हिंदी के लिख पा रहा था और हिंदी फ्लुएंटली बोल रहा था, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मैं एक साल में 365 इंग्लिश के वर्ड्स तैयार कर लूँगा तो मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी हो चुकी होगी। तो इस टिप को आप ज़रूर गौर दें और आज से स्टार्ट कर दें एक इंग्लिश का वर्ड तैयार करने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टिप की बदौलत इंग्लिश फ्लुएंटली ज़रूर बोल पाएंगे। एक और मैं टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, ग्रामर।
ग्रामर के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने वाली कोचिंग क्लासेस हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपने कोई क्लास ज्वाइन करी तो उनका फोकस होता है ग्रामर सिखाने पर। शायद ही कोई इंग्लिश स्पोकन क्लासेस होगी, नाम स्पोकन क्लासेस है, लेकिन वो सिर्फ ग्रामर ही सिखाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर आना बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको अगर निबंध लिखना है, इंग्लिश का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपके सेंटेंसेस सही बने उसके लिए ज़रूरी है ग्रामर की नॉलेज होना। लेकिन फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आप खुद सोच सकते हैं। मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जो भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, जैसे आप आगरा गए होंगे, आप दिल्ली गए होंगे, या साउथ में कहीं गए होंगे, खजुराहो गए होंगे एमपी में, वहाँ पर आपको गाइड मिलते हैं। क्या गाइड बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं? या इन टूरिस्ट प्लेस पर ऑटो रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, तांगा चलाने वाले, या कुछ शॉपकीपर्स भी, ये बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते, लेकिन ये इंग्लिश बोलने लगते हैं। क्यों बोलने लगते हैं? क्योंकि इनका कन्वर्सेशन, इनकी बातचीत होती है टूरिस्ट से, फॉरेनर से। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते, बोलते बोलते ये इंग्लिश बोलने लगते हैं। लेकिन ये जो इंग्लिश बोलते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती है, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा चलता है। तो इंग्लिश पहली प्रायोरिटी है कि आप इंग्लिश को बोलें। प्रायोरिटी पहली ये नहीं है कि ग्रामर के साथ करेक्ट सेंटेंस आप बनाएं और बोलें, वो बाद में हो जाएगा। पहली रिक्वायरमेंट है इंग्लिश बोलना आप शुरू करें। और जब आपको 365 वर्ड्स आप एक साल में सीख रहे हैं और आपने बोलने की प्रैक्टिस भी कर ली है, तो इंग्लिश आपकी 100% तैयार हो जाएगी। आप इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बताया, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप इस पर कमांड ला सकते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसकी। और कोई भी कोचिंग क्लास आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकती है। इंग्लिश अगर सीखना है तो आप खुद अपने बलबूते पर ही सीख सकते हैं। आपके अंदर ज़रूरत है पैशन, लगन और इच्छा शक्ति की कि मुझे इंग्लिश बोलना है।